नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज की खबर हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा दूध को लेकर, वो दूध जो हर इंसान को एक पौष्टिक आहार देता है, इंसान की ग्रोथ बढ़ाता है। वही दूध इंसान के लिए अगर जानलेवा बन जाए, हानिकारक बन जाए, तो क्या कहेंगे। दरअसल ऐसा ही एक मामला भी सामने आया है जहां दूध हानिकारक बनते दिखाई दे रहा है। मामला है विरार के चंदनसार का, जहां काकरी पाड़ा क्षेत्र के एक नामदेव खरे नामक व्यक्ति ने 1 लीटर का पैकिंग दूध, गुड मॉर्निंग कंपनी का पैकिंग दूध खरीदा, और उसके बाद में घर जाने के बाद में उनको जो एहसास हुआ तो काफी चौंक गए। दरअसल उस दूध के अंदर उनको एक कॉकरोच दिखाई दिया। दूध के अंदर कॉकरोच होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी यह घटना है, क्योंकि दूध ऐसा एक ऐसा आहार है जो हर घरों में मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसी कई कंपनियां हैं जो दूध बनाती है, वितरित करती है। नामदेव खरे को जब एहसास हुआ कि इसमें कॉकरोच है, तो उन्होंने फिर जिस दुकान से वो दूध खरीदा था उस दुकान पे कांटेक्ट किया, और उस दुकान के मार्फत जो एजेंसी है, कंपनी है, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो लापरवाह कंपनी की, जिस कंपनी के पैकेट में दूध में कॉकरोच मिला, उस लापरवाह कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। नामदेव खरे ने दूध के पैकेट को ओपन तक नहीं किया, आप वीडियो में और फोटो में देख सकते हैं। ये घटना है 24 तारीख की, और दूध की एक्सपायरी डेट उस पर लिखी थी 25 तारीख। इसके बाद नामदेव खरे ने इस घटना की जानकारी मीडिया को दी, और नामदेव खरे ने फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर थाने के उनको इसकी शिकायत की, इस कंपनी को सील किए जाने की मांग की। हम सभी लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं, हर रोज हर घरों में ऐसे ही पैकेजिंग दूध आते हैं। अब इस तरह से अगर पैकेजिंग दूध के अंदर इस तरह से कॉकरोच या कोई इंसेक्ट्स मिलने लगे, पाए जाने लगे, तो स्वास्थ्य का क्या होगा, ये सवाल बड़ा है। क्या ये जितनी कंपनियां ऑपरेट होती है सभी पैमानों को ये पूरी तरह से मानती है? क्या इनकी समय समय पर जांच होती है? यह सवाल भी एक अहम है। यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि कॉकरोच आखिर उस दूध के पैकेट में आया तो आया कैसे? क्या दूध की पैकेजिंग लापरवाही से खुले तौर पे की जाती है? तो कई सवाल है, उस सवाल का जवाब अब ढूंढना काफी जरूरी है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है सीधा आम लोगों की हेल्थ से। आप हर रोज आप लोग टीवी पे कहीं ऐड देखते होंगे जिसमें मुख्यतः कॉकरोच को लेकर ऐड आती है कि कॉकरोच की वजह से ये बीमारी होती है, और वही कॉकरोच अगर दूध के पैकेज में मिल जाए तो उसको पीने से क्या हो सकता है। इस मामले में फिलहाल आवाज उठी है और कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग उठी है। आप वीडियो में आगे सुनिए नामदेव खरे को। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। प्रोडक्ट है इसमें जो आप कॉकरोच हमें पाया गया है, आप देखेंगे इसमें तो कॉकरोच जो है इसमें दिख सकता है, आपको साफ साफ दिख सकता है, और ये जो है ये जो जो मिल्क है ये पूरा पैकेज है, फिर भी ये थैली में जो है वो कॉकरोच दिखता है। तो इसका जो है हम औषध और अन्न प्रशासन विभाग को जो है महाराष्ट्र सरकार का उन्हें हम कंप्लेन करने वाले हैं कल, और ये जो है इसका एक्सपायरी डेट जो है 24 नवंबर 2022 है, और आज का 24 तारीख है, सॉरी 25 नवंबर 2024 है, आज 24 तारीख है। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? प्रशासन से मांग हमारी यही है कि इस कंपनी को ताला लगाया जाए, सील किया जाए। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786
अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।